हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। द क्वेश्चन इज टू गोडाउन्स ए एंड बी हैव ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स। दो गोडाउन्स हैं ए एंड बी, जिनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या है, 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स रिस्पेक्टिवली। दे सप्लाई टू थ्री राशन शॉप्स डी ई एफ। उन्होंने थ्री राशन शॉप्स को राशन सप्लाई करना है, हुज रिक्वायरमेंट्स आर 60, 50 एंड 40। तो उनकी जो डिमांड है राशन शॉप्स की वो कितनी है, 60 क्विंटल्स, 50 क्विंटल्स एंड 40 क्विंटल्स। द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन्स, ये हमें टेबल में गिवन है। हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। जैसा कि हमने लास्ट भी स्टूडेंट क्वेश्चन किया था कि दो डिपो थे और वहां से हमने पेट्रोल सर्व करना था, सप्लाई करना था तीन पेट्रोल पंप्स को। तो ऐसे ही यहां पे दो राशन डिपोज हैं, तो यहां पे दो गोडाउन्स हैं और गोडाउन से हमें थ्री राशन शॉप्स को राशन सप्लाई करना है। नाउ स्टूडेंट्स, टेबल हमें गिवन है, यहां पे ये जो टेबल है इसमें गिवन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कि अगर ए गोडाउन से डी राशन डिपो को जब राशन सप्लाई होगा तो पर क्विंटल पे जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 6 रुपीज। और बी से अगर डी शॉप को राशन सप्लाई करेंगे तो जो पर क्विंटल कॉस्ट आती है 4 रुपीज। सिमिलरली ए से अगर ई को करेंगे तो जो कॉस्ट आ रही है 3 रुपीज पर क्विंटल, बी से ई को करेंगे तो जो कॉस्ट आ रही है 2 रुपीज पर क्विंटल, सिमिलरली ए से एफ को करेंगे तो जो कॉस्ट है 2.50 रुपीज पर क्विंटल, और अगर बी से एफ को करेंगे तो जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज पर क्विंटल। नाउ स्टूडेंट्स हमें दो राशन डिप गोडाउन गिवन है और हमने जो सप्लाई करना है राशन थ्री शॉप्स को करना है डी ई एंड एफ। तो जो उनकी ए जो गोडाउन है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ए की वो कितनी है, 100 क्विंटल्स, और बी की 50 क्विंटल्स, और जो डी की डिमांड है वो 60 क्विंटल्स, ई की 50 क्विंटल्स और एफ की जो डिमांड है वो कितनी है, 40 क्विंटल्स। तो स्टूडेंट अगर यहां पे टोटल करें तो इनका टोटल 150 और यहां पे जो सप्लाई होनी है वो भी कितना है, 150। तो डिमांड एंड सप्लाई क्या है, इक्वल, तो शॉर्टेज राशन की नहीं आएगी। तो स्टूडेंट जो डी की डिमांड है वो कितनी है, 60 क्विंटल। अगर ए से डी को हम, ए जो गोडाउन है, अगर डी राशन शॉप को हम यहां से सुपोज 20 क्विंटल सप्लाई कर देंगे तो यहां से कितना करेंगे, ऑब्वियसली 40 क्विंटल। मींस अगर मैं यहां से एक्स क्विंटल ए से डी को सप्लाई कर दूं तो यहां पे कितना आ जाएगा, 60 माइनस एक्स क्विंटल्स। सिमिलरली अगर ए से मैं ई को सप्लाई कर दूं तो यहां पे कितना आ जाएगा, वाई। अगर ए से ई को मैं वाई क्विंटल सप्लाई कर दूं तो बी से फिर ई को कितना सप्लाई होगा, 50 माइनस वाई। अगर ए से एफ को जो सप्लाई होगी तो वो कितनी होगी, एक्स क्विंटल हमने यहां से कर दी, डी को कर दी, वाई क्विंटल ई को कर दी, तो यहां से कितनी होगी, ए से एफ को 100
क्योंकि ए के पास कितना है टोटल जो सप्लाई देने के लिए राशन कितना है 100 क्विंटल, एक्स क्विंटल यहां पे कर दिया, वाई क्विंटल यहां पे कर दिया, तो यहां से वो मैक्सिमम कितना कर सकता है 100 - x - y। और सिमिलरली इसको कितना करेगा, इसकी जो डिमांड है वो कितनी है 40 क्विंटल, तो 40 में से हम 100 - x - y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 40 में से 100 - x - y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 - 100 + x + y, तो x + y - 60। तो यहां से बी से जो एफ को सप्लाई होगी वो x + y - 60 क्विंटल होगी। तो स्टूडेंट अगर कॉस्ट की बात करें तो ए से डी को जो कॉस्ट है पर क्विंटल 6, बी से डी को 4, ई से ए से ई को 3 और बी से ई को 2 रुपीज पर क्विंटल। सिमिलरली ए से एफ को जो कॉस्ट है वो है 2.5 रुपीज और बी से एफ को जो कॉस्ट है वो कितनी है 3 रुपीज पर क्विंटल। नाउ स्टूडेंट अब हम फाइंड करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कॉस्ट जिसको हमने मिनिमाइज करना है, कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये 6 रुपीज पर क्विंटल है, तो ए से हमने डी को कितना दिया एक्स क्विंटल, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 6 × x। सिमिलरली प्लस 3 × y प्लस 2.5 × 100 - x - y प्लस 4 × 60 - x प्लस 2 × 50 - y प्लस 3 × x + y - 60। तो स्टूडेंट अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6x + 3y + 250 - 2.5x - 2.5y प्लस 240 - 4x + 100 - 2y + 3x + 3y - 180। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया 2.5x + 1.5y + 410, तो ये हमारे पास क्या आ गया जेड, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमने क्या करना है मिनिमाइज। नाउ स्टूडेंट्स अब हम कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे, तो कंस्ट्रेंट x > 0, y क्योंकि जो सप्लाई है वो पॉजिटिव ही आएगी, या तो करेंगे या नहीं करेंगे, तो y की वैल्यू भी > 0। उसके बाद 100 - x - y > 0, 60 - x > 0, 50 - y > 0, x + y - 60 > 0। नाउ स्टूडेंट अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजिंग जेड 2.5x + 1.5y + 410 सब्जेक्ट टू, अगर कंस्ट्रेंट्स की बात करें सब्जेक्ट टू जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट आएगी 100 > x + y मीन्स x + y < 100। जो सेकंड कंस्ट्रेंट आएगा 60 > x मीन्स x < 60 और थर्ड कंस्ट्रेंट से 50 > y मीन्स y < 50 और जो लास्ट कंस्ट्रेंट है हमारे पास x + y > 60 और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा x और y क्या आएगा > 0। तो स्टूडेंट अब हमने हमारी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। अगर फर्स्ट कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहां से पॉइंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास एक्स वाई, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 100 और y की 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 100। सिमिलरली अगर फोर्थ कंस्ट्रेंट की बात करें तो x + y = 60, x की वैल्यू 0 है तो y की 60
वाई की जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। नाउ स्टूडेंट अब इसको ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग 1, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है 0, 100 और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है 100, 0। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब फर्स्ट कंस्ट्रेंट में अगर 0, 0 सब्स्टिट्यूट करें तो 0 + 0 < 100 तो विच इज ट्रू, तो जो एरिया आएगा वो टुवर्ड्स 0, 0 ओरिजिन आएगा। तो अब अगर सेकंड कंस्ट्रेंट की बात करें तो ये जो लाइन होगी दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 60। वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन ये आएगी एक्स इज इक्वल टू 60 और वाई इज इक्वल टू 50 जो लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस किया तो ये हमारे पास ये हमारी लाइन आ गई वाई इज इक्वल टू 50। और अगर फोर्थ कंस्ट्रेंट की बात करें तो जो फर्स्ट पॉइंट 0, 0, 60 और जो सेकंड पॉइंट है यहां से वो आएगा 60, 0। तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास आ गई फोर्थ कंस्ट्रेंट, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट, ये फोर्थ कंस्ट्रेंट। यहां पे अगर एक्स और वाई की वैल्यू 0, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 + 0 > 60 0 > 60 विच इज फॉल्स। तो जो एरिया आएगा वो आउट जो डायरेक्शन होगी उसकी वो ऑपोजिट साइड में होगी 0, 0 के। तो अब एक्स < 60 है तो उसकी डायरेक्शन लेफ्ट को होगी, यहां से < 50 ये वाली डायरेक्शन, तो इस लाइन से भी नीचे इस लाइन के ऊपर। तो जो हमारे पास रीजन आएगा फिजिबल रीजन वो हमारे पास ये वाला ए बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट अब हम कॉर्नर पॉइंट्स की बात करेंगे तो जो सबसे पहले हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है ए, जो ए कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास ए वो y इज इक्वल टू 50 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए पॉइंट हमारे पास आ गया 10, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू क्या आ गई 50। और अगर बी पॉइंट की बात करें तो ये तो हमारे पास 60, 0 है। अगर सी पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, सी पॉइंट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और ये वाली लाइन जो थी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये एक्स इज इक्वल टू 60 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू 60 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 40। और सिमिलरली अगर डी पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, डी पॉइंट है जो वाई इज इक्वल टू 50 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो वाई की वैल्यू 50 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डी जो पॉइंट हमारे पास आ गया वो क्या आ गया 50, 50। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, जेड की। तो 1 by 1 जेड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहले 10, 50 किया तो यहां से 25 + 75 + 410 तो जो टोटल हमारे पास जेड की वैल्यू वो कितनी आ गई 510। और अगर 60 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से 150 + 0 + 410 तो ये हमारे पास आ गई 560। नेक्स्ट सी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 60 + 40 = 150 + 60 + 410 तो ये 210 +
तो ये हमारे पास आ गया 620। नेक्स्ट जो पॉइंट है डी पॉइंट 50, 50, तो यहां से हमारे पास 125 प्लस 75 प्लस 410, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ गई 610। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, जेड को मिनिमाइज। तो यहां से मिनिमम वैल्यू जो जेड की आ रही है वो कितनी आ रही है, 510। कौन से पॉइंट पे, 10, 50 है, जब एक्स की वैल्यू 10 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, 50। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। ए टेनिस रैकेट, एक तो हमारे पास क्या है, टेनिस रैकेट और क्या है, क्रिकेट बैट। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम। सिमिलरली जो क्रिकेट बैट है टेक्स 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम। इन ए डे फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, नॉट मोर देन 42 मीन्स जो मैक्सिमम टाइम कितना है, 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। इफ द प्रॉफिट ऑन द क्रिकेट बैट, इफ द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट की बात करें, देन प्रॉफिट ऑन द रैट इज ₹20 एंड ऑन क्रिकेट बैट इज इट इज ₹10। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट दैट द फैक्ट्री मस्ट मैन्युफैक्चर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसने क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो कितने टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट एक फैक्ट्री बनाए। तो लेट अस सपोज कि एक्स नंबर ऑफ हम वो फैक्ट्री एक्स नंबर ऑफ टेनिस रैकेट प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे, और वाई नंबर ऑफ वाई यूनिट्स किसके प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे, क्रिकेट बैट के। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू एक बैट पे जो प्रॉफिट है ₹20 है, तो एक्स टेनिस रैकेट पे कितना होगा, 20 × x, एक रैकेट पे जो प्रॉफिट है ₹20 है, और एक्स रैकेट पे कितना होगा, 20 × x। वाई क्रिकेट बैट के एक क्रिकेट बैट पे जो प्रॉफिट है वो ₹10 है, तो वाई क्रिकेट बैट पे कितना बन गया, 10 × y। तो जो टोटल प्रॉफिट हमारे पास जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है वो कितना आ जाएगा, 20x + 10y। सब्जेक्ट टू जो कंस्टेंट आएंगे स्टूडेंट, पहले तो हमारे पास 1.5 × x 3y ≤ 42, और जो दूसरा कंस्टेंट आएगा 3x + y ≤ 24, वेयर एक्स और वाई क्या होंगे, ≥ 0। नो स्टूडेंट सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहां से हमारे पास 15x + 30y ≤ 420। अब इसको 15 से डिवाइड भी कर देंगे, x + 2y ≤ 28, और ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट कंस्टेंट, और सेकंड कंस्टेंट हमारे पास 3x + y ≤ 24 एंड एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ≥ 0। नाउ स्टूडेंट अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, अगर फर्स्ट कंस्टेंट की बात करें तो x + 2y ≤ 28, तो जब x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू 14, और जब y की 0 की तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28।
सिमिलरली अगर सेकंड कंस्ट्रेंट की बात करें, एक्स वाई, जब एक्स की जीरो की तो वाई की वैल्यू 24, और जब वाई की जीरो की तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8। नाउ अब ग्राफ ड्रा करेंगे इसका, 4 यूनिट्स, 4 ईच, 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। सिमिलरली वाई एक्सिस पे 4 8 12 16 20 एंड 24। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट है वो है 0,15, और जो सेकंड पॉइंट है वो है 28,0। दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट, फर्स्ट लाइन आ गई हमारे पास, और यहां पे अगर एक्स और वाई को 0,0 करते हैं तो 0,0 सेटिस्फाई दी फर्स्ट कंस्ट्रेंट। तो जो एरिया आएगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर सेकंड कंस्ट्रेंट की बात करें स्टूडेंट, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 24, और वाई एक्स की वैल्यू 8, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। तो सेकंड लाइन ड्रा की, दोनों को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास आ गई सेकंड कंस्ट्रेंट। तो स्टूडेंट अब यहां पे 0,0 किया तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 24, तो 0,0 सेकंड कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो एरिया आएगा वहां पे भी वो टुवर्ड्स 0,0 होगा। तो अब जो हमारे पास कॉमन रीजन आया वो ओ 0,0 ए बी एंड सी, चार कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ गए। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ओ 0,0 ए 8,0, बी जो पॉइंट है ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड को एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5y इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास 60, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12, तो y की वैल्यू 12 आ गई, तो x की वैल्यू 28 माइनस 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो जो b पॉइंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट वो आ गया 4,12। अब अगर c पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट हमारे पास है 0,14। तो अब स्टूडेंट हमारे पास चार कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं, और वन बाय वन इन पे जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट 0,0 पे जेड की वैल्यू 0, 8,0 पे जेड की वैल्यू 160, बी पॉइंट पे 80 प्लस 120 200, और अगर सी पॉइंट की बात करें तो यहां पे 0 प्लस 140। तो स्टूडेंट मैक्सिमम जेड की वैल्यू 200, जेड मैक्सिमम 200 कौन से पॉइंट पे, जब एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 12। मीन फैक्ट्री में चार टेनिस रैकेट बने और 12 क्या बने, क्रिकेट बैट्स। तो जो फैक्ट्री का जो प्रॉफिट होगा वो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा।